सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस के कुत्ते, जो भी आदमी सुधांशु त्रिवेदी को जूते से मारेगा उसे 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भेड़िया जो आरएसएस का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो इस महाराष्ट्र की, हमारे पूरे हिंदुस्तान की आन बान और शान है, उन्हें पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का, उनके राजनीति का, उनके शिवनीति का गुणगान गाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारे, हमारे, हम सबके हैं। अरे महाराष्ट्रीय हो या हमारा पूरा हिंदुस्तान हो, दुनिया भर शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन भाजपा की गंदी राजनीति, भाजपा के और आरएसएस के गंदे विचार छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका कार्यकर्तृत्व छोटा करने का काम करते हैं। सावरकर को माफी वीर बोला तो वो सुधांशु त्रिवेदी भाजपा और आरएसएस का चमचा गंदी विचारों और सड़कों पर अपनी व्यभिचारी करने वाला हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कहता है कि सावरकर ने माफीनामा तो लिख दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी 4-5 बार माफीनामा या खत लिखा था। अरे तुझे पता है सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस के कुत्ते, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था, राजकारभार था और उनकी लड़ाई जो थी वो धर्म के नाम पे नहीं थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान हो, शाहिस्ते खान हो या मुगल हो, जो भी लोग थे वो राजनैतिक लड़ाई थी। तुम्हारे जैसे धर्म धर्म में बांटने वाली और आदमी आदमी को काटने वाली राजनीति नहीं थी। शिवनीति छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति का एक नया और अनोखा पहलू था। लेकिन इसी सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी आदमी सुधांशु त्रिवेदी को जूते से मारेगा उसे 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि हमारे लिए, आप सभी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे ऊपर है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, उनके जय जयकार से हम श्वास लेते हैं और आप उनका अवमान करते हैं। अरे आपके ही शहंशाह जो दिल्ली में बैठे हैं, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो मोदी के साथ, छत्रपति का नाम लेके बीजेपी के सब नेताओं, मोदी हो, शाह हो या यहाँ के फडणवीस हो, वोटों की भीख मांगी और चुन के आए, और आप छत्रपति शिवाजी महाराज को पहचानने में, उनका कार्य आगे ले जाने में आपको अगर कठिनाई है तो आपने आरएसएस के गंदे विचार हमारे लोगों पर मत चिपकाओ, नहीं छोड़ेंगे। संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से मैं आपको गुजारिश करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया है, उनको जूते से ही मारेंगे। जो भी कोई मारेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव प्रेमी, जो भी मारेगा उसको 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि नहीं सहेंगे हमारे बहुजन महापुरुष पूरे दुनिया के। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या कोई भी हो, अगर कोई अपमान करेगा, अवमान करेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। जय जिजाऊ, जय शिवराय।